हार्ट लाइन यदि इस तरह से ना तो जुपिटर के माउंट से और ना ही सैटर्न से स्टार्ट हो, तो ऐसे ही लोग अपने करियर, अपनी फैमिली, पैसा सभी को समान रूप से महत्व देते हैं। हार्ट लाइन का डार्क हो जाना पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है, और ख़ास करके जब इनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी पर्सनल लाइफ इनका थोड़ा डिस्टर्ब अधिक होना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती इनकी। यूँ इस तरह से यदि सनलाइन हार्ट लाइन से स्टार्ट हो और हल्का सा कर्व लिए हुए हो, तो स्टार्टिंग में जॉब मिलती है, ठीक ठाक मिल जाती है, अच्छी खासी जॉब मिलती है। लेकिन एक सर्टेन ड्यूरेशन को तय करने के बाद ये स्टॉप हो जाए तो ग्रोथ में कमी आएगी। 45 के बाद से तरक्की जितनी आपको 45 तक है, उसके बाद उसमें कमी आ जाएगी, कमतरी आ जाएगी। उसके बाद से ग्रोथ आपका थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हथेली में बंधन योग है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में स्टैब्लिश रहता है या एक्टिवेट रहता है, तब तक ना तो आप स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि ये युवावस्था को ही शो करता है, इनिशियल स्टेज वाली लाइफ को शो करता है। तो तब तक ना तो आप स्टडी अच्छे से कर पाते हैं और ना ही आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, ये कायम बना हुआ दिखाई दे रहा है। 16 साल की आयु तक लाइफ में क्या करना है, किस रास्ते का चुनाव करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना है, ये सब आप नहीं तय कर पाती होंगी और ना ही आपकी लाइफ को आप इंजॉय करती होंगी। कहीं ना कहीं लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है इस उम्र तक। उसके बाद से धीरे धीरे करके लाइफ ने एक ट्रैक पकड़ा है। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का स्टार्ट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है और सही रास्ते का चुनाव आप नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आप अपने काबिलियत के दम पर या अपनी मेहनत से उस फील्ड में बड़ा नाम कमा लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आप किस फील्ड के लिए बनी हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपका आपके सोल के साथ कनेक्शन बनना आवश्यक हो जाता है। तो इनका इनके सोल के साथ कनेक्शन काफ़ी वीक होता है, ये अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाती है। तो जैसी दुनिया जिस रास्ते पर भाग रही है, उसी रास्ते पर ये भागते रहते हैं। स्टार्टिंग में जैसी इनकी काबिलियत होती है, उस तरह की तरक्की नहीं मिल पाती, तरक्की मिलने में देरी को ये शो करता है। और माइंड लाइन यदि आपकी डार्क है, अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा खुश आप नहीं रह पाते हैं। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है, जिद्दी होते हैं, जो सोच लिया वो करना है, और ये जो सोच लिया वही करना है, इस आदत में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। ट्वेंटी थ्री के बाद से, उसके बाद से जो भी आपके मन में आता है आप वही करना पसंद करती हैं, किसी की सुनते नहीं हैं ये लोग। और थोड़ा सा ये जो माइंड लाइन है आपको तानाशाही रवैया भी देता है। काफ़ी स्ट्रांग माइंडसेट के लोग होते हैं, जो चुन लिया, जिस रास्ते को अपना लिया उसी पर चलना है, किसी के बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, किसी के भी बातों से नहीं। लाइफ लाइन आपकी यूं गई और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे सर्कल में ये वापस टर्न लेते हुए दिख रही है। ये मैक्सिमम आपको पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी हथेली में देखने को मिल जाएगा। ये इसलिए होता है, एक सर्टेन एज तक आपने बहुत ग्रोथ किया, फिर धीरे धीरे आपकी एज जैसे ही आप 60+ हो गए, तो वो फिर बढ़ोतरी जो है आपकी, इंक्रीमेंट जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए इस तरह की लाइफ लाइन को बताया जाता है कि एक सर्टेन एज में आपका करियर काफ़ी पिक पे होगा, लेकिन ओल्ड एज आते आते डाउन होता चला जाएगा। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है केतु से। केतु से जिनकी भी लक लाइन स्टार्ट होती है, खाते पीते घर में पैदा होते हैं, बच्चों की जो बेसिक नीड है ऐसे लोगों को मिल जाती है, खाना कपड़ा ये सब, लेकिन बचपन आपका अच्छा नहीं गुजरा। दुश्मन काफ़ी हैं, शानदार दुश्मन बनाए आपने, इतने तगड़े हैं कि अपने भले से ज़्यादा आपका बुरा करने में वो लगे रहेंगे पूरे जीवन।
और हो सकता है एक दुश्मन की वजह से आपको नुकसान भी हो, अभी नहीं आगे, या इफ़ अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया हो, किसी अपने ने, तब तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गया होगा, नहीं तो कायम रहेगा। अंगूठे पे मूल के साइन का पाया जाना आपकी ईमानदारी का प्रतीक है। ये ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं। अगर इनके पास एक रुपया नहीं है, खाने की भी दिक्कत हो, फिर भी यदि आप इन पे भरोसा करके इनके अकाउंट में लाखों रुपये रख देते हैं, तो वो ये भूखे रहना पसंद करेंगे, आपका एक रुपया नहीं लेंगे, इतने ईमानदार होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। और इनका अंगूठा बताता है काफ़ी ज़िद्दी हैं ये, काफ़ी। अगर ये ठान ले इनको कुछ करना है और सामने वाला बोल दे कि ये रास्ता सही नहीं है, तुम जिस रास्ते पे चल रही हो सकता है आगे चल करके दिक्कत आएगी या बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो ये सुनेंगी नहीं। अगर रास्ता पसंद आया तो चलना है भाई, फिर सुननी नहीं है किसी की। ये वाली जितनी भी उंगलियाँ इनके, ये जो पर्व हैं, यदि चौड़े ज़्यादा हों तो धीरे धीरे काम करते हैं, आलसी होते हैं थोड़े। हार्ट लाइन पे मोल या गड्ढे का साइन हो तो दिल से जुड़ी बीमारियों का संकेत ये देता है ओल्ड एज में। अगर आपकी बुध की उंगली, जिसे लिटिल फिंगर कहा जाता है, इस पर मूल का साइन है, इफ़ अगर ये मूल का साइन है, तो ये धन आने के संकेत देता है। धन आएगा जीवन में, बढ़िया पैसा कमाएंगे आप, अच्छा खासा अमाउंट होगा आपके, आपका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यदि आप व्यापार करती हैं, बिजनेस में आती हैं, तो एक बार तगड़ा नुकसान भी देगा ये, जहां आपके अच्छे खासे अमाउंट डूब सकते हैं। आप दूसरों की समस्याओं को बेहतरी से नहीं समझ पाएंगी कभी, जिस वजह से कोई भी यदि आपकी अपनी प्रॉब्लम आपके सामने शेयर करने बैठे, तो आप सुनेंगी ज़रूर बट उसको फील नहीं कर पाएंगी कभी। और जब आप किसी की प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाएंगी, तो उसको सलाह भी आप बेहतर नहीं दे पाएंगे। यदि विवाह रेखा यूं काफ़ी स्ट्रांग हो, तो स्टार्टिंग में प्यार बहुत रहता है, लेकिन दो भागों में बट जाए, एक सिरा सूर्यदेव की तरफ इशारा कर रहा हो और एक सिरा नीचे की तरफ, यानी हार्ट लाइन को काटे, तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज ओल्ड एज में आपके लाइफ पार्टनर को हो सकते हैं। और मतभेद रहेगा, मन भेद नहीं रहेगा, मतभेद रहेगा 55 के बाद से। मैक्सिमम चीज़ों पर आप दोनों की सहमति नहीं बनेगी, शादी आपकी अच्छी खासी फैमिली में होगी, आपका जो भी स्टेटस है उससे कहीं बेहतर उनका स्टेटस होगा। हथेली की चौड़ाई बताती है, हथेली का शेप बताता है, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के इंसान हैं ये, मतलब पत्थर। इनकी, इन्होंने जो सोच लिया, इनका दिमाग इनको अगर कुछ करने के लिए कह दे, घर में ये किसी की नहीं सुनती होंगी, किसी की नहीं। बहुत ज़िद्दी होते हैं ये लोग, मतलब इनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर पाना, इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है। ये अपने स्वयं के मालिक होते हैं, जो मन में आएगा वही करना है, और हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर इनसे आप पूरे पूरे दिन भी काम करवाएं, मान लीजिए किसी ऑफिस में ये काम कर रही हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत 12-13 घंटे 15 घंटे आराम से वर्क में निकल जाएगा इनका, तो उनको मतलब ये काम करने से पीछे नहीं हटती हैं, वर्क आप इनसे करवा सकते हैं। हाँ, मेहनताना सही भी होना चाहिए, ये भी रहता है, ऐसा नहीं है कि बस काम किए जा रहे हैं, सैलरी नहीं भी मिली तब भी कर रहे हैं, नहीं, वहाँ भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं इनके कि भाई पैसा अगर आप मुझसे मेहनत करवा रहे हैं, मैं करने को तैयार हूँ। ये दो दो शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे लोग, और आपको इनको देख करके अंदाज़ा भी नहीं होगा, इतना अच्छा इनका हेल्थ रहता है, इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इनका आउटर मास इनर मास दोनों बहुत शानदार है। तो दो दो शिफ्ट भी कर लें तो इनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ काम करने की वजह से नहीं आएगा। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, तो अभी तक का कर्मा थोड़ा वीक है, उसको बेहतर और बेहतर करने की ज़रूरत है। केतु पर पाए जाने वाला ट्रायंगल आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है, और आपकी हथेली में रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको ये जो घरेलू जीवन है, व्यवहारिक जीवन जिसको कहा जाता है, इससे अच्छा आपको लगेगा भगवान के प्रति आस्था रखना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागना। ऐसे लोग का आकर्षण बढ़ता है, अभी तो नहीं, लेकिन जब आपकी एज हो जाएगी 40 के लगभग, तब तो बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा आपको इस फील्ड की तरफ। आप भले जाए ना जाए बट नॉलेज काफ़ी रखेंगे इस क्षेत्र का।
रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है। अच्छी है तेरी है। अभी तो स्ट्रगल रहेगा मनी को लेकर के। आपका करियर पीक पे कब जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी एज हो जाएगी 39, 39 में बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। बट वैसे मैं सिर्फ 5 साल आगे तक का एनालिसिस का मैं गारंटी लूँगी, बट अभी जो फ़िलहाल मुझे शो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ कि 39 में बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। बट वो जो ग्रोथ है वो 6 या 7 साल तक के लिए रहेगा, उसके बाद से लाइफ आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह की लाइफलाइन जिनकी भी होती है, मैक्सिमम ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी लक लाइन भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही इशारा कर रही है। बचपन से इश्यूज रहे हैं आपकी लाइफ में और 16 के बाद से धीरे धीरे करके लाइफ को ट्रैक मिलना स्टार्ट हुआ है, बट बहुत सॉलिड ट्रैक नहीं है। राहु के लाइंस ने तब भी कट किया है तो इश्यूज तो बैक टू बैक आ रहे हैं। 23 में तगड़ा इशू आता हुआ दिख रहा है। 23 में राहु की लाइन ने काफ़ी स्ट्रांगली कट किया है, तो 23 में कोई ना कोई तगड़ा इशू आएगा। 23 से पहले ये कहना कि आपकी लाइफ में खुशियां थी तो नहीं, इश्यूज बहुत रहे हैं। एक जगह पे है तो, बट वो हो सकता है आपका रिश्ता तय हुआ हो उस वक्त मे बी, या कोई पसंद आया हो। ये 17 के आसपास का है तो कुछ भी हो सकता है दोनों में से। 23 के लगभग इश्यूज आए हैं। देन आफ्टर 24-25 छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, छोटे छोटे, तो छोटी छोटी खुशियां भी मिली हैं। देखिए तो पता भी नहीं चला होगा आपका, आपको प्रॉब्लम आई भी होगी, चली भी गई होगी। 26 के आसपास छोटी सी, मतलब 26 कंप्लीट नहीं हुआ है, 25 से 26 के आसपास ही इश्यूज आए हैं। 27 में खुशी मिली है, उसके बाद 26, 27, 28 छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, बड़े नहीं सही लेकिन छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, तो छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं। 29 के आसपास आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ, 29 कंप्लीट होने से पहले, या फिर कोई पसंद आया। 30 में भी खुशी मिली है आपको। 33 में लोकेशन चेंज होगा आपका, कहीं ना कहीं जॉब में या किसी वजह से लोकेशन आपका चेंज होता हुआ 33 में दिखाई दे रहा है। एक तो शादी होने के चांसेस आपके 29 के लगभग ही मुझे ये रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है, और दूसरा चांस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 33 और 34 के मध्य, उसी वक्त जब आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। तो ये दो जगह पे आपके रिश्ते होने के चांसेस हैं, बीच में नहीं है कहीं पर। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। शादी इनकी जिनसे भी होगी प्यार बहुत रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है, और डोमिनेटिंग नहीं होंगे, इनकी ही चलेगी इनके लाइफ पार्टनर के ऊपर। शादी के अभी हाल फिलहाल भी चांसेस बन रहे थे, बिकॉज शादी की, या फिर नहीं हुई है तभी आप पूछ रहे हैं। 29 के आसपास तो बन रहा था शादी का चांस, अब बन रहा है 33-34 के लगभग, यानी 33 से 34 के मध्य में। आपने कहा है कि इन्होंने शायद 28.5 के लगभग जॉब कहीं पे ज्वाइन किया है। ग्रोथ ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, मध्यम स्तर का है। हाँ, आगे जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाएगी, हर साल इनको कोई ना कोई खुशी मिलने वाली, हर साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। 33 में लोकेशन चेंज होगा और 34 के लगभग इनकी शादी तय होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रबल चांस थे 29 के लगभग शादी होने के इनके, जो कि नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर प्रबल चांस बन रहे हैं, बहुत स्ट्रांग 34 के लगभग बन रहा है शादी होने का चांस। लाइफ पार्टनर के साथ ठीक रहने वाला है, मतलब झगड़े नहीं होंगे, ठीक रहेगा। देखिए शादी के बाद भी ये जॉब करने वाली हैं, इनफैक्ट थर्टी नाइन में बड़ा ग्रोथ होगा, बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट ये हासिल करने वाली हैं वो 39 में, तो ऑब्वियसली बात है अचीवमेंट हासिल होते हुए देख रहे हैं, तो जॉब कंटिन्यू है इनका, शादी के बाद जॉब में कोई रुकावट नहीं आएगी। बस यही है आपके सवाल, और कोई सवाल हो तो आप भेज देना। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय।